नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास में हम आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बजट पर प्रतिक्रियाओं के साथ। केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया है और इस बजट को मध्य प्रदेश के मोहन कैबिनेट ने ऐतिहासिक बताया है। आप भी सुनिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रियों ने बजट को लेकर क्या कहा। सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब महिला युवा किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। सर्वस्पर्शी बजट है, सभी वर्गों को इसमें छुआ है और 2047 तक जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि विश्व में विकसित भारत, हमारा भारत विकास की श्रेणी में नंबर एक पर आए और विश्व गुरु के स्थान पर बैठे, वो सपने को साकार करने वाला यह अंतरिम केंद्रीय बजट है। ये बजट में आप देखेंगे कि 2047 जब शताब्दी पूरी होगी हमारी स्वतंत्रता की, उस वक्त का ध्यान रखते हुए बजट बना है। गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हैं उनने सुखद परिणाम दिया है और इसलिए 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और मिलेंगे और 3 करोड़ लखपति दीदियां बनेंगी, ये घोषणा अभिनंदनीय है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने अंतरिम बजट पर ट्वीट करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि बजट से आम जनता को कुछ नहीं मिला है, ना टैक्स और ना रोजगार में राहत मिली है। किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। मोहन यादव ने कहा कि युवा महिला किसान और बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने बजट पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस ने केंद्र के अंतरिम बजट को निराशाजनक बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बजट में ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए और ना ही किसानों के लिए कोई प्रावधान है, लिहाजा ये बजट पूरी तरह से फ्लॉप है। पहले का बजट है तो कुछ राहत मिले, लेकिन निराशा हुई कि इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिली है। ये चर्चा थी कि किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी, वो बढ़ाई नहीं गई है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। तो इनका तो यही है कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान छूट जाना, ये खुशी से मरना जाते जो एतबार होता। तो इन पर कोई एतबार नहीं कर रहा है, एक झूठ का बजट है जिसमें कोई ना दिशा है ना कोई जिसकी दशा होने वाली। बजट को लेकर बहुत उम्मीद थी कि जनउपयोगी बजट होगा, इसमें मध्यम वर्गीय का ध्यान रखा जाएगा, इसमें युवाओं का ध्यान रखा जाएगा जो पेट्रोल डीजल की वजह से परेशान है, राहत देने की दिशा में काम होगा, गृहिणी को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसको लेकर के कहीं कोई विचार नहीं किया गया। बहुत उम्मीदें थी इस बजट को लेकर के, ये बजट जनउपयोगी बजट नहीं है, इसने निराश किया है। हम इनके 9 बजट देख चुके हैं, लगभग ये 10वां बजट है, तो मैं समझता हूँ जैसा जनता उम्मीद करती है, देश उम्मीद करता है कि बजट हमारे पक्ष में आने वाला होगा, पर 9 बजट नहीं आया, उसी तरह से ये 10वां बजट भी उसी तरह का है। तो आपने देखा किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना अंतरिम बजट पेश किया है। बजट में इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है और इससे छोटे व्यापारी, उद्योगपति और मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर निराश है। सुनिए बजट को लेकर जबलपुर के व्यापार उद्योग से जुड़ी हुई लोगों का क्या कहना है और टैक्सेशन एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है। सरकार से उम्मीद थी भारत की जनता को कि टैक्स में रिलीफ देंगे, एक चुनाव का समय है तो उम्मीद थी कि टैक्स में रिलीफ होगा तो बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला करने वाली आम जनता को राहत मिलेगी, वो नहीं हुआ। टैक्सेशन रिलीफ से हमें उम्मीद तो कमी लग रही थी और वो हुई भी, लेकिन सरकार की कुछ 2-3 घोषणाएं जो हमें उम्मीद करती हैं कि जैसा हम बता रहे हैं कि आगे वाले वर्षों में बहुत रिलीफ प्रदान करेगी। ई कॉमर्स को लेकर निश्चित कोई किसी तरीके की नीति बनाई जाए जिसके तहत कि जो उल्लंघन किया जाता है ई कॉमर्स को लेकर वह ना हो और छोटे छोटे व्यापारी जो इस समय बिल्कुल दुकानें बंद की कगार पर हैं उनको एक राहत मिलेगी। स्लैब है, उस टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया है और दूसरा टैक्स रेट भी है उसमें भी नहीं, परंतु ये जरूर किया है कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने टैक्स स्लैब कम किया है,
30% का 22% कर दिया है। 2017 से लागू हुआ जीएसटी, आज तारीख तक इतने साल हो जाने के बाद भी किसी एक्ट में रिवाइज रिटर्न का प्रावधान नहीं होना अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न पैदा करता है। तो ये निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टर को कोई राहत देने वाला बजट नहीं है, बल्कि निराश करने वाला। हम हर बजट के पहले ये बात की पूरे देश के ट्रांसपोर्टर उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद इस बार डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आएंगे, मगर जीएसटी के दायरे में डीजल को लाया नहीं जा रहा। बजट के बाद अब रुख करते हैं कुछ दूसरी सियासी हलचल का। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज मुरैना में हेलीपैड से कलेक्ट्रेट भवन तक रोड शो किया। रोड शो के बाद सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुरैना को जल्द एलिवेटेड रोड की सौगात मिलेगी, तो वहीं शक्कर कारखाने में किसानों की बकाया राशि भी जल्द देने का निर्णय लिया गया। पर्यटन सहित कृषि उत्पादन पर भी चर्चा कर निर्णय लिए गए। सीएम के साथ इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना, मंत्री राकेश शुक्ला सहित चंबल संभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में तमाम 29 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि 2014 में हम 29 में से 27 जीते थे, 2019 में 28 सीट हमने जीती, लेकिन अब इस बार 2024 में मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की जीतेगी। इस तैयारी में हम लगे हुए हैं। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ग्वालियर आए थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। 2014 में हम जीते थे 27 सीटें 29 में से, 2019 में जीते थे 28, और 2024 में अब 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस तैयारी में हम लगे हुए हैं। अकासे एयरलाइंस की ग्वालियर अहमदाबाद हवाई सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में किया। बता दें कि ग्वालियर से बड़ी संख्या में कपड़ा व डायमंड के व्यवसायी अहमदाबाद जाते हैं। अब इनको ट्रेन से अहमदाबाद पहुंचने के लिए 23 से 24 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन फ्लाइट से करीब 4,500 रुपये खर्च करने पर सीधे 1.5 घंटे में ही अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अहमदाबाद से जुड़ना हमारे लिए गौरव की बात है। व्यापार की दिशा में हम ग्वालियर को के दरवाजे के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, इसी सपने को पूरा करने की दिशा में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने ग्वालियर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट सर्विसेज ने हैंडीमैन के लिए 21 पदों के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से अभ्यर्थी आए हुए थे। इस दौरान इंटरव्यू में अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। इनका आरोप है कि भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है। जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं वो अपने लोगों को अंदर कर रहे हैं, जबकि दो दिन से वो अपने इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे और लाइन में खड़े थे। जब IBC 24 की टीम यहाँ पहुंची तो वो लोग जवाब देने से बचते नजर आए। वहीं इंटरव्यू लेने आए एयरपोर्ट सर्विसेज के अधिकारी परेश गांधी का कहना है कि नियमों के हिसाब से भर्ती चल रही है। किस बात की परीक्षा थी और क्या दिक्कत आ रही है? परीक्षा, इन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी सर, तो विज्ञप्ति के माध्यम से ऑफलाइन वैकेंसी थी, और इसके जरिए इन्होंने फॉर्म भरवाना चालू किया इंटरव्यू के माध्यम से। डॉक्यूमेंट पेश कर कल भी करे आज भी करे, कल लोगों ने दिया, कल से आज तक इंटरव्यू नहीं हुआ है। ऐसा है कि मतलब जैसा कोई मतलब किसी का नाम पहले बोल जा रहा है, जैसे नंबर वाइज नंबर बोलना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हैंडीकैप की मतलब पद पे नियुक्तियाँ हो रही हैं, और एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। ठीक है, OBC जनरल वालों को 500-500 का DD लिया जा रहा है। मैं ऐसी समझते हूँ, मेरा DD नहीं लिया जा रहा है। जो है प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा है, आपका हमारा प्रोसीजर के हिसाब से ही हो रहा है। तो देख के क्यों भाग रहे हैं? कोई नहीं भाग रहा, मैं भागा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नहीं भाग रहा। इंटरव्यू ऊपर चल रहा है, ऑनलाइन चल रही है, मैं यहाँ पे नीचे खड़ा हूँ, मेरा फिजिकल चालू है, प्लीज। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए गुड न्यूज है। लोकसभा आयोग ने PCS साल 2024 के पदों की संख्या में इजाफा किया है। पहले ये परीक्षा 60 पदों के लिए होने वाली थी, लेकिन अब 110 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो 18 फरवरी तक रहेगी।
यूजीसी के निर्देशों का पालन नहीं करना देश के 421 और मध्य प्रदेश के 18 यूनिवर्सिटीज को भारी पड़ गया है। उसमें रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का नाम भी शामिल है। यूजीसी ने इन सभी यूनिवर्सिटीज को लोकपाल की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन यूनिवर्सिटीज के प्रबंधन ने नियुक्तियां नहीं की। हालांकि यूजीसी की फटकार के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज ने लोकपाल भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस लापरवाही को लेकर यूजीसी ने मध्य प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया है। मामले में APSU विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने सफाई दी। नियत दिनांक तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुई विश्वविद्यालय को, इसलिए विश्वविद्यालय ने लोकपाल की नियुक्ति नियत तिथि में नहीं कर पाए। फिर शासन का दोबारा पत्र आया तो दोबारा विज्ञापन आया है, इसकी लास्ट डेट 12 फरवरी 2024 है और देखते हैं हम लोग अगर इसमें आवेदन आते हैं विश्वविद्यालय के पास तो उसमें नियुक्तियाँ कर दी जाएंगी। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा के पूर्व विधायक रामबाई को जबलपुर के MP MLA कोर्ट ने 2 मामलों में 3-3 महीने और 5 दूसरे दोषियों को 3 महीने कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रामबाई पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पहला मामला साल 2022 का है, उस वक्त दमोह के तत्कालीन कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य से बदसलूकी की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। कलेक्टर ने रामबाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं दूसरे मामले में उन पर पार्टी कार्यालय में चोरी की बिजली से आटा चक्की चलाने और विद्युत मंडल के कर्मचारी से बदसलूकी के आरोप लगे थे। पुलिस ने दोनों मामलों में रामबाई को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। उसमें तत्कालीन कलेक्टर थे श्री S कृष्ण चेतन जी, तो रमा विधायक ने उनके साथ कॉरिडोर में बदतमीजी करी थी और गाली गलौज कर शासकीय कार्य में बाधा डाली थी। MLA स्पेशल कोर्ट जबलपुर ने आज उस मामले को सही पाते हुए अभिजन के तर्कों से सहमत होते हुए दंडादेश पारित किया है, जिसमें रामबाई से परिहार जो पूर्व विधायक हैं उनको 3-3 माह की कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। ग्वालियर में 10वीं की छात्रा का 2 युवकों ने अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को पुल से नीचे फेंक दिया, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, अपहरण, मारपीट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सहराई का पुल है, उस पर ले गए इनने, कुछ छेड़छाड़ करी, उसका गलत काम भी करा है, उसको ऐसी झगड़ा झुगड़ी हुआ तो उसको पकड़ को वहीं से पुल से नीचे फेंक दिया उसको। उसकी चोट आई है सर, उसका तो पैर में आई है, दोनों पैर मतलब फिक्चर है, टूट गए, कैवी का मतलब है रील की हड्डी खत्म है उसका। मेरी लड़की का बचने का कोई संभावना नहीं। उसको 2 व्यक्तियों ने जो है बेला फुसला के शादी करने के लिए जबरदस्ती ले गए और उसके गुप्तांगों में के साथ छेड़खानी करी, पुल से नीचे उसको धक्का मार दिया जिससे उसके काफ़ी चोटें लगी। उसकी रिपोर्ट पर से दोनों आरोपियों के विरुद्ध 376D और पास्को एक्ट वन धाराओं का अपराध पंजीकृत किया गया, प्रकरण में विवेचना की जाए। शहडोल में रेत माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हो चले हैं। पहले पटवारी की हत्या, फिर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और अब आदिवासी ट्रैक्टर चालक के साथ माफियाओं ने बेरहमी से मारपीट की है। दरअसल बरेली गांव में रहने वाले पीड़ित जयकरण सिंह घरेलू उपयोग के लिए एक ट्रैक्टर रेत लेकर गांव जा रहा था, तभी रेत ठेकेदार के कुछ बदमाश कार में सवार होकर आए और उसके साथ मारपीट कर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस चालक की शिकायत कर सहकार ग्लोबल रेत ठेका कंपनी के 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं माफियाओं के बुलंद हौसले प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। और इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाश ने चाकू मारकर व्यापारी से लूट की है। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस आसपास के फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। भवरकुआ थाना क्षेत्र की घटना है। इंदौर में लगातार चाकूबाजी की और इसके साथ ही अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। भवरकुआ थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बदमाशों ने चाकू मारकर व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आसपास के फुटेज खंगाल रही है फिलहाल पुलिस। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ राहुल सिन्हा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।